नहीं नहीं सवाल है। देखो देखो अभी जो है ये जो भी नहीं नहीं गोबर की बात जो बोल रही है तो गोबर तो अभी फिलहाल तो चलना नहीं है, गोबर तो अभी इस वक्त तो चलना नहीं है। और हर घर घर में मोदी जो बोल रहे हैं घर घर में मोदी तो पॉसिबल नहीं है, ये उनका नारा था। गोबर तो गांव में अभी भी चल रहा है, तो ऐसा कहीं नहीं कि गोबर गांव में चल रहा है नहीं चल रहा। उनका तो नारा सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हिंदुस्तान जो बना बनाया उसको क्या बनाया। मोदी जी उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और 24 में मोदी जी आएंगे। सेना का प्रधानमंत्री चरण छू रहा है, आज तक प्रधानमंत्री इंडिया के कहेंगे विदेशी पीएम आपके पीएम के पैर छू रहे हैं। नहीं 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 ये देखो जो जो हमारे जो प्रधानमंत्री है ना वो फोटोग्राफी प्रधानमंत्री है, फोटोग्राफी प्रधानमंत्री है। फोटो खिंचाने के लिए कोई दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री के पैर छू लेगा फोटो खिंचाने? फोटो खिंचाने के लिए वो हमारे प्रधानमंत्री आपको नीचे दिखा देगा? डेफिनेट सर, वो दिखा रहा है, दिखानेंगे। वो भी गोदी पीएम है क्या? वो भी गोदी पीएम है, वो एक बाइडन वो ऑटोग्राफ मांग रहा है भरी सभा में। सुनिए क्या बात कर रहे यार, सुनो चांद पे धूल उछालने से चांद मेला ना होता, अपने सर पे ही गिरती है खोपड़ी पे, समझिए ठीक है। मूर्खता छोड़िए, जो महान है उसको महान कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, पप्पू पप्पू ही रहेगा, मोदी मोदी ही रहेगा, ठीक है याद रखना। अच्छा आपके हिसाब से अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे तो विपक्ष कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा? मोदी जी आएंगे और आएगा कौन? अभी फिलहाल देखो इसमें मोदी जी आएंगे। नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं मोदी तो पॉसिबल नहीं है, मोदी तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन कौन है अभी? ऑप्शन ऑप्शन के लिए तो तीन लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे कि अभी मायावती का चल रहा है, उसके सुनो एक सेकंड यार, अरविंद केजरीवाल का भी चल रहा है, और तुम्हारे नीतीश कुमार की चल रहा है। अब आगे पूछते हैं आपके सवाल को, मायावती नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है तीनों में से कोई प्रधानमंत्री बन? नहीं बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, दावेदार नहीं होगा, खाली मोदी ही 2024 में मोदी आने वाला है। क्या वजह है मोदी जी की आने की? क्योंकि मोदी की लहर ही ऐसी चल रही है, 2017 के बाद मोदी मोदी हो रहा है सब जगह पे, तो मोदी आना भी। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कल बोलेगा, उसका काम है बोलना, विपक्ष का काम क्या है बोलना है? जैसे पप्पू जी है हमारे राहुल जी, पप्पू जी है वो बोलते हैं ना, अभी खाली केरला में एक जगह पे जीते ही है तो उस समय उतना बवाल हो रहा है, कर्नाटका में जो भी है जीता है उन्होंने, बाकी जगह पे तो नहीं है ना। सरकार मोहब्बत की दुकान तो शुरू हो गई वहाँ से, कहाँ से? कर्नाटकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू होते गए, हरे झंडे हिलाए रहे ना वहाँ पर, ये अच्छी बात थोड़ी है देश में, अपने भारत हिंदुस्तान में ये सब पाकिस्तान के झंडे जो लहरा रहे हैं गलत है ना वो। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो लोग कहते हैं मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस जीती तो क्या हरे हरे झंडे फहराने वाले पाकिस्तान का नारे लगाने वाले क्या मीडिया के लोग थे? मीडिया के नहीं होते वो। नहीं खड़ा कर पाए सीएम, क्यों नहीं खड़ा कर पाए हैं? आपस में क्यों क्यों लड़ गए? जी की वजह से नहीं जीती है, उन्होंने लालच दिया वहाँ के लोगों को कि 2000 रुपए लेडीजों को आएंगे, और इनको क्या जो हो रहा था या केजरीवाल हो या राहुल जी हो, इनको क्या परेशानी पड़ती है? लोगों के खजाने में से देश के खजाने में से पैसा दे देते हैं, अपने एमएलओ की तनख्वाह कम करे 30,000 तनख्वाह करे तब मानते हैं कि मुख्यमंत्री की 60,000 है, एमएलए की 30,000 है, हम दे रहे हैं ये फ्री की चीज में। जब तो मानते हैं, जब तो मानेंगे कि फ्री में दिया है इन्होंने अपनी तरफ से, इनको तो अपनी पैसे मिल जाते हैं, इनको तो अपनी तनख्वाह मिल जाती है। जो उन्होंने किस नहीं हो सकती, आज रोड देख लो केजरीवाल जी ने खोद के पटके में वो सब बंद है। आप कांग्रेस ने बेरोजगारों का झूठ बोला था, कैमरे होंगे, कैमरे बंद पड़े, वाईफाई बंद पड़े, कोई रोड नहीं हो रहा, अब अपना आप बंद हो रहा है केजरीवाल जी। देखो सबसे बड़ी बात यह है, मैं बीजेपी को इसलिए सब ज्यादा समर्थन देता हूँ कि बीजेपी पार्टी में या बीजेपी की जो भी रैली होगी कोई भी मतलब कि ना तो पाकिस्तान का नारा लगा सकता है, ना ही पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई भी झंडा मतलब फहरा सकता है। राष्ट्र विरोधी बात नहीं हो सकती, होगी देश के समर्थन में ही बात होगी, और कोई मेरे को किसी भी पार्टी से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की, जब बात आती है पाकिस्तान के झंडे फहराने की, तो लोग बहुत से लोग कहते हैं भाई रोजगार पे भी तो बात करो, बेरोजगारी पे भी तो बात करो, महंगाई पे भी तो बात करो, तो महंगाई और बेरोजगारी भी तो समस्या है ना इस देश। देखो इसमें जो विपक्ष वाली पार्टियां हैं वो भी मतलब कि अगर हम जनसंख्या बिल लेके आएंगे तो उस पर भी खड़े हो जाएंगी। महंगाई दुनिया में कोई भी नेता आ जाए महंगाई कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि भारत का आप देखोगे पर डे 70 से 80,000 पॉपुलेशन दर है,
जो कि वर्ल्ड में सबसे टॉप पे आती है। जनसंघ नियंत्रण बिल की जब बात हो रही तो विपक्ष भी बोल रहा है सरकार पूरे फुल पावर में लाए ना, कौन रोक रहा है पक्ष को या बीजेपी सरकार को, कौन क्यों नहीं ला रही है? देखो जो भी कभी भी कोई पार्टी कोई भी मतलब कि हमारे जो भी केंद्र में सरकार है वो कोई भी बिल पास करती है, सबसे ज्यादा लोग क्या है विपक्ष वाले जितने भी 20-30 पार्टियां हैं वो तुरंत अनशन पे धरने पे बैठ जाती है आके दिल्ली के अंदर, कोई भी उनको ये नहीं है, जो भी प्रदर्शन करे धरना करे उनको तुरंत भगाना चाहिए। का एनआरसी पे बिल पास हो गया, का भी बिल है जो सरकार ने पास करा लिए, तो जनसंघ का नियंत्रण बिल पास कराने में क्या दिक्कत हो? देखो उसमें सबसे ज्यादा क्या है कि हमारे जो विधानसभा है लोकसभा है बिल जो है अकेला कोई बंदा पास नहीं कर सकता। धारा 370 हटी, कांग्रेस को दिक्कत हुई, सारे विपक्षी एक हो गए, पुनः मतलब उसको लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस घोषणा भी, और सुनो धारा 370-35 से राम मंदिर, जनसंख्या नियंत्रण, CNRC, ये विपक्ष वाले एक कुत्ता बिल्ली की तरह एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, मोदी जी कोई भी अच्छा काम करे ना जो सब में इनका टांग अड़ाने, ठीक है, कभी एयर स्ट्राइक के सबूत में क्या हुआ, क्या अच्छा काम कर रखा है मोदी जी ने, है क्या बताओ, सारा काम बुरा, देश गरीब हो गया और क्या चाहिए, और ये क्या आपका आपका खड़े हैं, ये चाबी नहीं, चाबी किसकी है, चाबी किसकी चाबी है, गरीब है क्या? हाँ मैं बहुत गरीब हूँ, फोर व्हीलर की चाबी, तो फोर व्हीलर की चाबी से मैं गरीब नहीं हूँ क्या? भैया वाहन वाला मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ क्या? पैसे नहीं कमा क्या? पैसे कहाँ, पैसे कमाता कहाँ कमा, तो पहले 30,000 थी, अब हो गई है 25,000 रुपए, कम हो गई है, तो ये तो कम हो गई तनख्वाह लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद से पहले 30,000 अच्छा कहेंगे, पहले इनकी तनख्वाह देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, 95,000 रुपए सैलरी थी, सारी नौकरी चली गई, हाँ अब बताओ कहाँ जाऊँ, कहाँ करते थे नौकरी 95,000 से? बैंक में मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर, कौन से बैंक? ICICI। सैलरी हाँ सैलरी नोटबंदी से पहले, हाँ नोटबंदी तो कब की हुई थी, कद की हुई थी, अब कद हुई थी 2017 में 16 में, फिर भाषा संस्कार क्या हुआ, अभी तक आप बेरोजगारी बेरोजगार घूम रहा हूँ, जब ICICI बैंक में मैनेजर थे तो कुछ तो काबिलियत होगी, और भी तो मैनेजर काम कर रहे हैं, अरे भाई साहब मिली नहीं निकाल दिए, क्या कहेंगे क्या कहेंगे, ICICI बैंक में मैनेजर थे, नोटबंदी के कारण की नौकरी चली गई, और बताओ तो दोबारा ट्राई करें, नौकरी मिलेगी जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, अभी आप ट्राई करोगे तो मिलेगी, नौकरी घर पे तो आने वाली है नहीं, नहीं नौकरी देखो किसी के साहब, आप एक बात बता दो, तो ICICI बैंक में आप मैनेजर थे आप मैनेजर थे, प्रमाण है आपके पास, बताओ प्रमाण, प्रमाण, अरे तो बैंक के बारे में पूछो मेरे से, क्या पूछना तुम्हें, नौकरी का प्रमाण, नौकरी का नहीं चीज पूछो ना मेरे साहब, नौकरी का प्रमाण मांगोगे, किसी ने कह दिया नौकरी नहीं है तो, आप तो सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मोदी जी का सर्टिफिकेट तो है नहीं आपके पास, है और आप हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, प्रमाण दे दो आप मुझे, आप प्रमाण मांग रहे हो, भाई भी तो कह रहा है मीडिया से नौकरी मांगोगे, माथे पे चिपका के चलो क्या, माथे पे चिपका के क्या कहेंगे, अभी देखो किसी की नौकरी जाती है किसी की आती है, जो अपने अपने काम करते हैं सबको काम के हिसाब से पैसे मिलते भी है, किसी को लाख बंदी में इनकी नौकरी क्यों गई, और मैनेजर काम कर रहे थे इनकी नौकरी क्यों गई? वो तो यही बताएंगे नौकरी क्यों गई, क्या वजह बताई बैंक ने, कुछ तो बताए, वजह मैं बताता हूँ आपको, आप आर्थिक व्यवस्था 2014 से पहले हमारे इंडिया की क्या चीज थी बताओ, 2014 के बाद में क्या चीजें चल रही है, कितनी परसेंट नौकरी की इक्वेशन बढ़ी, घटी है जी, घटी है जी, आप कहाँ हैं, किस मुल्क में हैं आप किस मुल्क किस मुल्क में हैं, नहीं रहते हो आप अपनी नौकरी की वो दिखाओ, रेलवे की 2014 के बाद में रेलवे की भर्ती स्पोर्ट से कितनी निकली बताओ, एक भी लालू जैसा आदमी, आर्मी को आपने अग्नि वो 2 साल का थिएटर करके बोबो चोद दी, किसने लालू ने, ठीक है, इससे पहले अब जैसे कि लोग बाग बोलते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि हजारों लोगों का हम एक मशीन कर देती है, तो भर्ती क्यों करें।